स्कूलों च सरकारी नौकरी के नाम से ठगे करोड़ों रुपए। नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों करोड़ों की ठगी की गई स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। उनको सफाई कर्मचारी, किसी को क्लरिकल में करने के एवज में 40,000-50,000 लिए गए। 500 महिलावां नूं शातिर ठग ने बनाया निशाना। सरकारी स्कीम 10 महिलावां तो लए हजारा रुपए। एक बार मेरे से तीन हजार मांगे थे। 3 महीने तक महिलावां कर दिया रही स्कूल च कम। तनखा ना मिलन ते ठगी वजन दी मिली जानकारी। कैम यानी कि एक फ्रॉड का मामला सामने आया है। स्कूल प्रिंसिपल भी नहीं समझ सकिया ठग दा प्लान। जी सर, प्रिंसिपल वगैरह, प्रिंसिपल ने बुला करके काम करवाते थे, सफाई करवाते थे, और प्रिंसिपल जब हम हड़ताल किए तो प्रिंसिपल ने बोला कि आएंगे, अभी ठेकेदार आएंगे तो हम आप सबको पैसा दिलवाएंगे, कल से एक भी इसमें यहाँ पे मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए, प्रिंसिपल ने ऐसा कहा। हालांकि बड़ी हैरानी की बात यह है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्टाफ है, उनको भी नहीं पता चल पा रहा था कि वहाँ पर स्कूल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो किस उस पर हैं, कौन सी स्कीम में हैं, प्रशासन ने भेजे हैं या ठेकेदार के थ्रू हैं। प्रिंसिपल को इतना तक नहीं पता था। हालांकि शिक्षा विभाग का जरूर इसमें एक्शन दिखाई दिया है, 10 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो लोग हैं जिनके पैसे गए हैं उनको अभी तक किसी भी तरह से कोई पैसा वापस या किसी भी तरह से कोई सैलरी नहीं मिल पाई है। उसने जो टारगेट किया ना वो घरेलू महिलाओं को किया। एक्चुअली जो थोड़ा पूछताछ करती थी ना उसको निकाल देता था, उसको कहता हमने नहीं रखना। जो थोड़ा तेज बनती थी उसको लगता था कि हमारा पर्दाफाश कर देगी तो उसको नहीं रखता था। सर ना डरा के रखता था वहाँ पे, जो महिला बोलते तो बोलते थे, उसका हिसाब कर दे। अब उस डर की वजह से इन्होंने हमें भी कभी नहीं बताया कि शायद वो नौकरी से निकाल दे। एक बार मेरे से तीन हजार मांगे थे, 3,000 के पीछे मुझे घर वापस कर दिए कि जाओ घर, इन्हें भेज दिया जाए। मैं किसी से और से लेके फिर मैं दी, और अगले का पैसा मैं अपने जेवर उतार के उसे बेच के हमने वसूल कर दिए, तो दे दिए थे। चंडीगढ़ में एक स्कैम यानी कि एक फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें गरीब तबके के लोगों को किस तरह से गुमराह किया गया। नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों करोड़ों की ठगी की गई, और ये मामला अपने आप में एक अलग मामला है। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में उनको सफाई कर्मचारी, किसी को क्लरिकल में करने के एवज में 40,000-50,000 लिए गए, लेकिन उनको कहा गया कि डीसी रेट पर आप उनको पक्का भी करवाया जाएगा, लेकिन तीन चार महीने काम करवा के कोई सैलरी नहीं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि वो पूरी तरह से फ्रॉड था। हालांकि बड़ी हैरानी की बात यह है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्टाफ है, उनको भी नहीं पता चल पा रहा था कि वहां पर स्कूल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो किस उस पर हैं, कौन सी स्कीम में हैं, प्रशासन ने भेजे हैं या ठेकेदार के थ्रू हैं। प्रिंसिपल को इतना तक नहीं पता था। हालांकि शिक्षा विभाग का जरूर इसमें एक्शन दिखाई दिया है, 10 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो लोग हैं जिनके पैसे गए हैं उनको अभी तक किसी भी तरह से कोई पैसा वापस या किसी भी तरह से कोई सैलरी नहीं मिल पाई है। जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। सुनीता जी, ये जितने भी लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, आपके साथ काउंसलर साहब भी खड़े हैं, कितने दिन पहले की बात है, हुआ क्या? सर, ये हमें 1 फरवरी से बुलाया गया था, जनवरी में पैसा जमा करे और फरवरी में बुलाया गया मेरे साथ वालों को। पैसे किसने जमा किए? राजीव के नाम का बंदा है, उसके उस पे जमा करवाए गए। अच्छा, कितने पैसे? 35,000 मैंने जमा करी सर। ठीक है। हाँ जी सर। क्या बोला गया सर? उसने कहा कि मतलब ये सरकारी नौकरी तुम्हारी हो जाएगी, अभी तो 15,000 ले लेना, फिर डीसी रेट आया करेगा। ठीक है सर। ऐसे कर 3 महीने हो गए, कोई सैलरी मुझे नहीं मिली है सर। ठीक है। और हमारे साथियों किसी को नहीं मिली है। यानी कि करीब 500 लोग हैं, आप लोगों के साथ भी यही हुआ? जी सर, सबके साथ यही हुआ है। कितने दिए थे आपने? सर 33,000 रूपए। ठीक है, क्या बोला गया था? उन्होंने बोला कि हम तुम्हें 5 साल के टेंडर पे रख रहे हैं, 3 महीने हमें 10,000 रूपए सैलरी मिलेगी, 3 महीने बाद आपको 17,000 डीसी रेट के हिसाब से मिलेगा, और आज तक हमें कोई पैसा उनका कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? आपसे भी यही कमिटमेंट? हाँ जी सर, हमसे भी 35,000 लिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 15,000 आपकी सैलरी डाउन मतलब शुरुआत में दी जाएगी 3 महीने तक, उसके बाद 17,000 आपको देंगे हम। आपने काम भी किया वहाँ? हाँ जी, 3 महीने 4 महीने काम किया सर हमने। काम किया 4 महीना काम किया सर, एक भी पैसे नहीं दिया हमको। एक भी पैसा नहीं दिया? तो आपको पता नहीं चला कि फ्रॉड? नहीं सर, हमें नहीं पता चला। यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी मिली थी तो सर हमें सरकारी स्कूल में करके हमें धोखेदारी में करके फंसा दिया गया सर, हमें नहीं पता लगा। बड़ी हैरानी की बात यह है कि आप कह रहे हो कि प्रिंसिपल वगैरह सब होते? हाँ जी सर, प्रिंसिपल वगैरह, प्रिंसिपल ने बुला करके काम करवाते थे, सफाई करवाते थे, और
प्रिंसिपल जब हम हड़ताल किए तो प्रिंसिपल ने बोला कि आएंगे अभी ठेकेदार आएंगे तो हम आप सबको पैसा दिलवाएंगे, कल से एक भी इसमें यहाँ पे मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए, प्रिंसिपल ने ऐसा कहा। तो हम बोले कोई बात नहीं, इतना तो सफाई हम करके दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप पैसा दिलाइए, हम सफाई के लिए ही आए हैं, सफाई करेंगे। मैंने 35,000 दी हूँ। मैंने 40,000 दिया, मैं भी 40 दिया। उन्होंने ये भी बोले राजी ना, अब ममता ने राजू बोले भाई बोले हैं कि आपको जिसको काम करना कीजिए ना तो फिर वापस कर देंगे पैसे 7,000 काट के। ठीक है, तो आप 50 किसने दिए जी? हाँ जी मैंने 40,000 रुपया दिए। मैंने भी 40 वाले ने 50 दिया है, कंप्यूटर का करके 40, मैं भी 40 दी हूँ। 37,000 40,000 हमारे और मैंने सर। ये काफी 40, 40, 50, 50,000 आपने कितने? 40 दिए हैं सर। आप भी सफाई कर्मचारी? हाँ जी सर, सफाई कर्मचारी हैं हम भी। काउंसलर साहब हमारे साथ हैं, करीब 500 लोगों के साथ ये ठगी सामने आ रही है सर, कब संज्ञान में आया आपके और आप सारे इकट्ठे हुए आज? एक्चुअली उसने जो टारगेट किया ना वो घरेलू महिलाओं को किया कि जो घरों में काम करती हैं उनको करोगे ज्यादा वो जल्दी शिकार बन जाएंगी। अब इसमें एक कोई ममता ममता लेडीज है, उसको उसने सुपरवाइजर बना दिया, वो आगे लेडीजों को बताती रहेगी ये 40 है कोई ममता जी उसको हमने उनका पर्चा करवा दिया। अच्छा, उनको तीनों का। तो अब वो बंदा आया यहाँ पे, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि आगे स्कूल में कहता है कि हम जो है सफाई का जो अभियान चला रहे हैं और यहाँ पे हम फ्री में सफाई करना चाहते हैं, यानी कि स्कूल प्रबंधकों को ये कहा गया। हाँ ठीक है, तो सबसे पहली गलती जो है वो प्रिंसिपल की है कि उसको पहले उसका कागज वेरीफाई करने चाहिए। कोई एक एनजीओ भी बनती है तो उसकी एक संस्था होती है, रजिस्टर्ड होती है, कोई भी संस्था हो रजिस्टर्ड होती है, प्रोटोकॉल के लीगल मैनेजर। उसने उसको बिना जांच किए उसको रख लिया फ्री के नाम पे सुन के। ठीक है, अब उसके बाद धीरे 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 इन लेडीजों में बढ़ती रही, आगे बातें करती रहे, इनकी तादाद जो है 100-150 हो गई। 150 लोगों को उसने 40,000